हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह ही इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी होती है तो सोचा कि चलो गेट ही बंद कर देते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी किचन में काम नहीं किया जाता और सुबह सुबह कुछ इतना हैवी खाने का मन नहीं करता है। तो आई थॉट क्यों ना मैंगो शेक बनाया जाए, थोड़ा ठंडा भी होता है और सुबह सुबह रोटी परांठे खाने से अच्छा है कुछ अच्छा बॉडी में जाए। तो बस इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैंगो शेक। और मैंगो शेक के लिए एक ही मैंगो था तो जितना बना हमारे लिए मतलब कि एक एक ग्लास बन गया था मेरे और गौरव के लिए। क्या नहीं पीता, बाहर का पी लेता है बट घर पे नहीं पीता। इसका ऐसा कुछ है कि इसको लगता है कि मैं कुछ मतलब सब्जियां वब्जियाँ डाल के इसको खिला रही हूँ इसलिए वो नहीं खाता, बाहर का वो पी लेता है आराम से। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ मैंगो शेक। तो सारा पल्प निकाल के मैंने जार में डाल दिया है और ऊपर से जो डालना है वो है थोड़ा सा मैं शक्कर डालूंगी एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालूंगी ताकि इसके साथ ही सारे ग्राइंड हो जाए अच्छे से। मतलब कि मैं एक नाइट पहले मैंने सोक कर लिए थे, वो मैं रोज़ ही करती हूँ खाने के लिए, बट आई थॉट कि आज इसमें डाल देते हैं टेस्ट और अच्छा आएगा। और साथ साथ मैं शक्कर की जगह मतलब खांड डाल रही हूँ, जो गुड़ वाला होता है ना मैं वो डाल रही हूँ। हमारे घर पे शुगर यूज़ नहीं की जाती है, खांड ही यूज़ की जाती है। तो बस पहले विदाउट मिल्क पहले मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी सो दैट जब मैं दूध डालूँ ना तो एकदम पल्प अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए, कोई मोटे मोटे ना वो ना रहे, ग्लाइंड्स ना रहे। तो उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी पहले। फिर पहले थोड़ा सा दूध डाला था, उसके बाद थोड़ा करके मैंने पूरा ही जितना होना चाहिए उतना दूध डाल दिया था और एक बार में ही परफेक्ट बन गया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड ऑन किया था क्योंकि इतना थिक बनता है ना, थिक मुझे इतना पसंद नहीं है, हल्का सा लिक्विडी उसमें होना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करती हूँ। आप चाहें तो थिक पी सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको अभी थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जी मैंगो शेक हो गया है एकदम रेडी। तो मैं कांच के ग्लास में इसको पोर कर रही हूँ और सीरियसली मैंने कुछ नाप तोल के डाला था, बस ऐसे ही डाल दिया था और एकदम परफेक्ट बना था, चाहे चीनी वाइज हो और ड्राई फ्रूट जो मैंने उसमें डाले थे और ऊपर से जो थोड़े से बचे थे मैंने वो भी डाल दिया। तो इन सबको बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो साथ साथ मैंने क्या किया उसको बनाने के बाद, मेरे को दिन को बनानी है भिंडी, अभी कुछ गैस वाला काम नहीं हुआ तो अब मैं इसको धो के डाल दूँगी, बिछा दूँगी ताकि जब तक मुझे बनाने का हो तो ये अच्छे से सूख जाए। और अच्छा अब मैं ये भी बात करना चाहती हूँ, इतनी गर्मी बढ़ रही है और तीनों टाइम का खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है किचन में, तो आप कैसे इसको इजी बना सकते हैं सो दैट आपको कम से कम गर्मी में खड़ा होना हो आप हो पाए। तो आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले अगर कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं तो जो भी चॉपिंग कटिंग, जैसे कि भिंडी मैं बना रही हूँ तो अब मैं इसको धोकर डाल दूँगी और जो कटिंग करूँगा वो फैन के नीचे ही करूँगी, चाहे प्याज कटिंग करना हो जो भी कटिंग करना हो। और जब मैं बनाने जाऊंगी तभी सीधा गैस ऑन करूंगी, तभी मैं किचन में आऊंगी, बाकी सारा काम जो होगा मैं पहले से करके रखूंगी। और जैसे मॉर्निंग तो मैंने मैंगो शेक बना दिया, अगर आप कुछ और रोटी सब्जी कुछ ऐसा बनाते हैं तब भी आप ऐसे ही करें कि जितनी चॉपिंग, अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिन को प्याज यूज़ होने हैं और मॉर्निंग में प्याज यूज़ होने हैं तो जितने भी प्याज यूज़ होने हैं दो टाइम के एक साथ प्याज आप मतलब कि छील कर दीजिए, कट करने तो तभी कट कीजिए जब आपको कट करने हों, तो इससे क्या हो कि बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किचन के अंदर। तो जैसे कि चॉपिंग है तो जितने भी चॉपिंग है प्याज टमाटर शिमला मिर्च लहसुन अदरक जो भी चीज़ें आपको कट करनी है, आटा गूंदना, ये सारा आप पहले ही कट कर लीजिए गैस ऑन करने से पहले, अदरवाइज़ गैस के सामने आपको खड़ा भी रहना पड़ेगा, पसीने भी आएंगे। तो जब तक गैस ऑन नहीं है सारे ये सब काम आप पहले से करके रखिए, आप देखना कम से कम टाइम में हो जाएगा और साथ साथ आपको ज़्यादा गर्मी में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दूसरी टिप है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मॉर्निंग में ही ये जो भिंडी है उसको भिगो के रख दिया, मतलब साफ़ करके रख दिया और उसको बिछा दिया ताकि मैं एक दो घंटे बाद जब सूख जाएगी उसको मैं कट कर लूँ। तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना है कि आपको दिन को क्या बनाना है और रात को क्या बनाना है।
इससे आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे एक जो दिन का खाना बनना है उसकी। फॉर एग्जांपल मेरे को भिंडी बनानी है, अगर मैं अभी से डिसाइड नहीं करती, दिन को ही करती, तो मेरा टाइम भी बढ़ जाता और साथ साथ मुझे बार 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 किचन में आना पड़ता। और आप देख रहे हैं किचन के साइड में इतनी गर्मी होती है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता अब किचन में आने का। बट क्या करें, किचन का काम हमें ही करना है तो आना तो पड़ेगा ही। बट आ रहे हैं तो कुछ ऐसा ट्रिक के साथ आए कि हमें भी कम से कम टाइम पे किचन में खड़ा होना पाए। नेक्स्ट टिप है कि अगर बाई चांस आपके घर में सब्जियां एक साथ आती है, जैसे मेरे घर में आती है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी वेजिटेबल पहले से कट करने वाले होते हैं पहले से ही कट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे घर में कटहल आता है तो कटहल को मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। अगर मशरूम आता है, मशरूम को काट के उसको मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। पेठा आता है उसको मैं कट करके रख लेती हूँ। अगर बीन्स आते हैं उसको भी मैं कट करके रख लेती हूँ। तो जो भी ऐसी सब्जी हैं जो पहले से आप कट करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, तो आप उसको पहले से कट करके रखें, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में कोई सब्जी बनानी भी पड़े तो आपके पास पहले से सब्जियां कट हो। और फॉर एग्जांपल गोभी भी मैं ऐसे करती हूँ, पहले से कट कर देती हूँ। तो अगर आप पहले से ही सब्जियाँ कट करके रखेंगे तो आप फ़ैन के नीचे, एसी के नीचे बैठ कर भी सारी चीज़ें कट कर सकते हैं। बस जब छोंकने वाली बारी होगी तो आपको जो सब्ज़ी लगता है कि यहाँ पहले ख़राब हो रही है, आप उसको उसको बना सकते हैं और आराम से कम टाइम में किचन में खड़ा होना पड़ेगा। सेम अगर आपको आटा गूंदना है और सब्जी भी बनानी है, रोटी बनानी है, ये सारे काम करने हैं और साथ में शॉपिंग भी करनी है, तो आज मैं अभी को बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया था, रात के टाइम पे चॉपिंग और आटा गूंदना ये सारा काम मैंने पहले कर लिया गैस चलाने से पहले। और हमारे किचन में ना फ़ैन लगा हुआ है, हमने हैंग किया हुआ है, तो मैं वो ऑन कर लेती हूँ। जब सब कुछ हो जाए, चॉपिंग हो जाए, कटिंग हो जाए, आटा गूंदना हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब मैं क्या करती हूँ, एक गैस में चढ़ाती हूँ फटाफट से मैं कढ़ाई या कुकर, और एक में चढ़ाती हूँ मैं ये रोटी बनाने के लिए तवा। तो क्या होता है, दोनों साइड बाई साइड बनते रहते हैं और मेरा फटाफट काम हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो उसको बार बार चलाना पड़ता है, तो अगर 2-3 मिनट के लिए आप बाहर किचन से बाहर भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अगर आप कुकर में सब्जियाँ बना रहे हैं तो क्या होता है कि बस उसमें सीटी लगनी होती तो बाद में भी लगती रहेगी, तो इतना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको किचन में ही खड़ा रहना है। तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और लास्ट टिप है, जैसे कि कोई आपकी सब्ज़ी बन गई है और 1-2 मिनट बचे हैं सब्ज़ी पकने में, या कुछ भी, या फिर एक रोटी तवे में है उसको बनने में टाइम है अभी, तो हाथ ही अपनी स्लैब भी साफ़ कर दीजिए। हाँ 100% नहीं हो पाएगी क्योंकि गैस गर्म होती है, बट जितनी हो सके उतना कर लीजिए कि बाद में बस ये है कि जब आप बर्तन धोने आ रहे हैं या कुछ भी दही जमाने आ रहे हैं, जो भी छोटे मोटे काम करने आ रहे हैं, वहाँ पे दोबारा जब गैस ठंडी हो जाए एक कपड़ा मारा और अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो ये सारे टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और साथ साथ एक और टिप है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पनीर घर पे रखिए, आलू बॉईल करके रखिए घर पे, तो उससे क्या होता है, अगर आपका मन नहीं है कुछ बनाने का तो बॉईल आलू रखे हैं तो बस फटाफट टमाटर के आलू की सब्जी बना सकते हैं। आलू टमाटर के जो भंडारे वाले होती है, या आलू के परांठे, पनीर के परांठे, पनीर की सब्जी, कुछ भी ऐसा चीज़ बन सकती है जो मतलब कि आपका मन भी ना हो ना 2 मिनट में बन जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ें आप करके रखें कि अगर आपका किसी दिन मन नहीं है तो ये सब्जी से बन जाए। और एक और टिप है, फॉर एग्जांपल आपका रोटी बनाने का मन नहीं है तो राजमा ये सब चीज़ें ना आप बॉईल करके रख सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ता या 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। जब आपको मन करे कि भाई आज मेरे को रोटी बनाने का मन नहीं है, राजमा में आप तड़का लगाइए और राइस बना लीजिए, बात ख़त्म। तो ऐसे ऐसे आपको खुद स्मार्ट बन के कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आपको कोई नहीं रोकेगा कि नहीं भी किचन में जा रहा है अंदर अंदर, ठीक है, आपको किचन में जाना ही पड़ेगा। जब किचन में जाना ही है तो आप स्मार्टली वर्क कीजिए और कम से कम टाइम में किचन से लौट के आ जाइए, ताकि आप अगर 3 घंटे जहाँ लग रहे हैं आपको भी 2 घंटे लगे तीनों टाइम का खाना बनाने में, ठीक है। तो आप अगर ये सब टिप्स आप अगर अपनाएंगे ना, ट्रस्ट में बहुत ही कम गर्मी लगेगी और फटाफट आप किचन से बाहर भी आ जाएंगे, सीरियसली। तो बस ये अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कान की परांठी। क्या उनको भूख लगी थी तो वो बता देता कि इशारे से कि मुझे परांठी खानी है, तो मैं उसके लिए दोबारा आई परांठी बनाने के लिए। अब देखिए बच्चों को तो पता नहीं कितनी गर्मी है, मुझे कितना गर्मी में खड़ा होना पड़ेगा,
तो पहले से मैं चीज़ें ना प्रिपेयर कर रखती हूँ, आटा गूंद के रखा हुआ है, आलू बॉयल हैं, सब कुछ है, तो बस उसको फटाफट बनाई और दे दी मैंने परांठी। तो इतनी गर्मी थी, वैसे तो मैं उसको बाहर ही खिलाती हूँ, और इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो हम सब में से बस एक कैन को आदत है बाहर बैठ के खाने खाने की ड्राइंग रूम में, बट इतनी गर्मी है तो उसको मैंने यहीं बिठा दिया ताकि यहीं खा ले। और बेसिकली मेरा मेन मोटिव होता है कि हम बेड के ऊपर ना खाएं, चाहे हम ज़मीन पे बैठ के खा लें, और कैन को मैं खिलाती हूँ ऑफकोर्स, तो वो कुछ गंदा नहीं करेगा। अदरवाइज मेरा रूल है कि बाहर बैठ के खाओ, या फिर अगर अंदर खाना है, एसी में खाना है, तो ज़मीन पे बैठ कर खाना है, बेड के ऊपर नहीं खाना है। तो बस कैन को यहाँ खुद ये बुक लेकर आए कि मैं इसको पढ़ूंगा भी और खाऊंगा भी, तो इसको ये ऐसी हैबिट डली हुई है। आप चाहो तो आप भी अपने बच्चों को कुछ अच्छी हैबिट डाल सकते हैं, नहीं तो बच्चों की मैंने देखा है मोस्टली आदत जो होती है यही होती है कि फ़ोन देख के खाना खाना है या फिर टीवी देख के खाना खाना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे रूम में ही टीवी लगा हुआ है, ना कि ड्राइंग रूम में। तो उसको जब भी मुझे खाना खिलाना होता है, मैं यही ट्राई करती हूँ कि टीवी ऑफ हो तभी मैं उसको खाना खिलाऊँ। और जो उसको मैंने हैबिट डलवाई थी बाहर ड्राइंग रूम में खाने की, वो इसलिए डलवाई थी क्योंकि रूम में टीवी चलता होता है, एकदम से बंद करते हैं तो बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बोलती थी कैन बाहर आओ और बाहर आके खाएंगे, तो ये आता था इसको। अब हैबिट पड़ गई है, तो आजकल गर्मी है इसलिए टीवी जब ऑफ हो जाती है तब मैं इसको अंदर खिला लेती हूँ। अगर अभी भी टीवी ऑन होती तो मैं उसे पूछती कि टीवी ऑफ कर दूँ, अगर वो बोलता यस तो मैं ऑफ करके इसको यहीं खिलाती, अगर बोलता नो तो मैं इसको बोलती खाना बन के बाहर आओ। तो बच्चों को इतनी हैबिट होनी चाहिए कि कहाँ खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। अगर ये हैबिट अगर आप जितनी जल्दी डलवाएंगे आप उतने ही सुखी में रहेंगे। तो जो मैं शूटिंग कर रही हूँ ये है थर्सडे का, तो आज कोई कपड़े तो धुलने हैं नहीं, तो जितना भी मुझे बस क्या करना है समेटने हैं जितने भी कपड़े हैं फैले हुए हैं, क्योंकि ये है कि अगर आप रोज़ रोज़ समेटते रहोगे ना तो थोड़ा बहुत ही फैला होता है। अगर आप बिल्कुल नहीं समेटोगे, बिल्कुल सफाई नहीं करोगे ड्राइंग रूम के किसी भी जगह की, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिखरा रहेगा। जहाँ आपको 2 मिनट लगने हैं वहाँ आपको कम से कम आधा घंटा या 10 मिनट लग, आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट इतना लग जाएगा। तो देखिए ये मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं रात को भी ना थोड़ा सा मेट के सो जाती हूँ, तो बस मुझे झाड़ना है क्योंकि कैन कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी गिर जाता है, तो वो तो साफ़ करना ही करना है एक छोटे बच्चे के साथ। तो यहाँ पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा ये टाइम लगा समेटने में और हो गया मेरा। अगर मैं इसको नहीं करती, रोज़ नहीं करूँ, तो यहाँ पर भी मुझे कम से कम आधा पौना घंटा आराम से लग जाएगा। बट वही है, हैबिट अपनी थोड़ी सी चेंज करेंगे तो हर जगह 2-2 मिनट लगेंगे, ना कि 1-1 घंटा लगेगा। और अगर मैं बताऊँ इस सोफ़े कवर की, तो ये सोफ़ा कवर मैंने खुद से बनाया है और आई थिंक अप्रोक्स 3 से 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बस ये है कि इनको टाइम लेकर धोते रहो तो एकदम चमकते रहेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसके नए कवर बनाऊँ, तो अगर आप हो सके तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मैं किस कलर में बनाऊँ। ये थोड़ा ग्रेइश कलर है, तो नेक्स्ट में कौन सा कलर मैं बनाऊँ। तो बस ये सारा मैंने समेट दिया है, भिंडी जो है सूखने वाली है, उसके बाद सूखने के बाद इसको मुझे कट करना है। बाहर का समेट दिया है, क्या नहीं यहाँ पे अपना नहा रहा आराम से पूल में बैठकर, अब मुझे अब करना है अंदर की सफाई। 11 बजे में 10 मिनट है, तो मुझे बस ये सफाई करनी है, बाकी ऑल डन और सब्जी बनानी है। तो यहाँ मैंने क्लीन कर दिया, कैन भी आ गया भाई सब्जी हमारे बाहर नहाकर, इसको भी मैंने कपड़े पहना दिए। ये पानी मैं बाहर बाद में फेंकूँगी, पहले मैं कट कर लूँगी ये भिंडी जो मुझे कट करनी और बनानी है। तो जी मैं आ गई हूँ बाहर भिंडी को कट करने के लिए। अगर मैं अंदर सफाई नहीं करती तो मैं आराम से अंदर बैठती एसी में, क्योंकि अंदर वाला रूम ना थोड़ा ठंडा होता है कंपेरेटिवली बाहर वाले से। तो बस बाहर जो भी कट करना है, प्याज व्याज मैं कट कर रही हूँ और हाथों हाथ सब कुछ मैं कट कर लेती हूँ, ये नहीं कि मैं बाद में किचन में जाकर अलग से मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, यहाँ मैं आराम से कटिंग कर रही हूँ। और वैसे अगर नॉर्मल मौसम होता है तो मुझे बैठ के चॉपिंग करना पसंद नहीं है, मैं किचन में ही खड़े होकर चॉपिंग करना पसंद करती हूँ, बट इतनी गर्मी है तो मैं यहाँ आराम से भी बैठ के चॉपिंग कर रही हूँ सारी चीज़ों की। तो प्याज कट कर लिया है, अब बारी आती है भिंडी कट करने। वैसे जो ये व्लॉग है पूरे फुल डे का है कि मैं बच्चे को, घर को और ऑफिस को ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ। बट जैसे कि क्या भी छोटा है, तो जब उसको मेरा फ़ोन दिख जाता है तो बस वो मेरा फ़ोन ही देखता रहता है, तो
तो मैं फिर बीच में शूट नहीं कर पाती हूँ, जैसे अभी भी हुआ, जैसे भिंडी कट करने के बाद वो आ गया था बाहर, उसको दिख गया मेरा फ़ोन, तो बस वो मेरे फ़ोन लग गया, और उसके बाद जो मैंने भिंडी बनाई बस मैं थोड़ा सा शूट कर लिया था उससे फ़ोन लेके कि दिखाने के लिए कि मैं ऐसे बना रही हूँ, तो बस बाकी क्या उनके हाथ में फ़ोन था। फिर मैंने इवनिंग में शूट करना स्टार्ट किया था जब वो सो गया था उसके बाद। तो जब भिंडी आपको खड़ी खड़ी बनानी हो ना, अदरवाइज़ बहुत मैंने देखी गली गली से बनती है, गली गली, मेरे को, मुझे क्या, मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि आप कैसे खड़ी खड़ी बना सकते हैं। ये ऐसे मेरी मदर इन लॉ बनाती है बहुत, वो तो और भी अल्टीमेट बनाती हैं, मेरी भिंडी की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है उनके सामने। तो सबसे पहले जो भी है ऊपर नीचे दोनों में सारे सारे काट देती हूँ, और मैं एक एक भिंडी नहीं, मैं तीन चार भिंडी या दो भिंडी एक साथ लेके सेम साइज़ के लेके तब कट करती हूँ, जल्दी कट जाती हैं। तो बस जो इसका मेन होता है खड़ी खड़ी बनाने का, वो एक ही रीज़न होता है कैसे वो खड़ी खड़ी बनती है। सबसे पहले जो नमक है सबसे लास्ट में डालिए जब वो बन जाती है। दूसरा, बिना ढके बनाइए, अगर आप ढक दोगे तो उसमें लेस लेस से गिलगिलापन आ जाएगा, अगर आप बिना ढके बनाओगे ना तो एकदम खड़ी खड़ी खिली खिली से बनेगी और बहुत अच्छी बनती है। एक बार आप ना ट्राई करिएगा। ये देखिए कितनी खड़ी खड़ी है, मैं इसको बस खुले में ही पका रही हूँ, और मैंने आलू ऐड ऑन कर लिए थे क्योंकि मम्मी भी खा रही थी जब कटिंग करी ना मैंने, तो मुझे लगा कि बस दो लोग के हिसाब से होगी सब्ज़ी, इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ी सी आलू भी ऐड कर लिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ना भिंडी, आप आलू ऐड करके खाइएगा, बहुत टेस्ट लगेंगे। और जब बनने के बाद मैंने नमक और साथ ही साथ एक नींबू निचोड़ दिया ताकि खट्टा पट्टा पनसा आए और साथ में खिली खिली बने। तो बस ये बनने के बाद तो क्यान वहाँ खेल रहा था अपना बालकनी में, तो मैंने सोचा खड़ी हूँ, और ये ना कल एक रात पहले से मैंने लहसुन भिगो के रखे थे तो सोचा इसी को छील लेती हूँ। तो एक ये भी है, जैसे लहसुन होता है ना कुछ चीज़ें, इसको छीलने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर आप इसको एक दिन पहले या कुछ घंटों के लिए भिगो देंगे ना, इतना सॉफ्ट हो जाते हैं इसका जो बाहर का वो होता है कवर होता है, कि आप आराम से बहुत ही ईजिली इसको छील पाएंगे। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, जैसे आप मुझे देख सकते हैं कि कितने ईजिली मैं इसको छील पा रही हूँ। तो अगर आपको लहसुन ईजिली छीलने हैं तो आप आराम से इसको पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद पील ऑफ कीजिए, आराम से ऐसा लगेगा कि आप मटर छील रहे हैं, इतना आसानी से ही छिल जाते हैं। और एक और बात बताऊँ, किचन में इतनी गर्मी है ना, आई थिंक मेरे फ़ोन में क्या सबके फ़ोन में होता होगा, जैसे मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ ना, इतनी हीट हो रही है मेरे फ़ोन में धूप की वजह से, और जो मैं खाना बना रही हूँ उसकी वजह से, कि ये शूट करना ही खुद ही ऑफ हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर है। पहले फ़ोन का जो टेम्परेचर उसको थोड़ा कूल डाउन करो। तो मैं बार बार एसी के, मतलब एसी के सामने या फिर फ्रिज के अंदर थोड़ा फ़ोन रखना ताकि थोड़ा नॉर्मल इसका टेम्परेचर हो, उसके बाद मैं शूट करना स्टार्ट करूँ। और यहाँ पे क्या ना छोटा सा हमारा खरगोश बन गया जो फुदक रहा है यहाँ से वहाँ, ये इसका जंप, इसको ना आजकल जंप करने में बड़ा मज़ा आता है, ये जंप की जा रहा है, मैं इसको बोल रही जंप करो यहाँ करो, तो ये जंप कर रहा है। तो बस ये इसको फिर थोड़ा फ़ोन दिया, सुला दिया, 5 बज गए तब भी ये अभी सोने में लगा हुआ है आराम से अपना। और उसके बाद इवनिंग में आ गया था ये सारा हमारा राशन, लास्ट डे 30 तारीख है, तो राशन हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं काफ़ी, तो और जो ऑफलाइन आना था वो भी गौरव लेकर आएंगे। अब छोटा मोटा सामान रह गया जो बाद में लेकर आएंगे, क्योंकि मंथ एंड है तो गौरव का और मेरा दोनों का बहुत ही काम रहता है। और यहाँ क्यान को मैंने दे दिया है फ़ोन, ये अपने फ़ोन से खेलने में लगा हुआ है, तो मैं छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ कहीं वो मेरा ही फ़ोन ना मांग ले बाद में। उसके बाद गौरव का काम था तो आई थॉट कि चलो मैं इसको बाहर घुमा के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे इसका क्या है, जब भी इसके मैंने बालों में ऑयल लगाती हूँ ना, इसको अब हैबिट पड़ गई है कि मतलब कि मैं जैसे ही काजल निकालती हूँ ना, कहता है टीका लगाओ टीका, पहले कहेगा फोरहेड में लगाओ, उसके बाद कहेगा ईयर्स के पीछे लगाओ। अब मैं पूछ रूँ कहाँ लगाऊँ तो बता रहा है कि फोरहेड में लगाओ, अब बता रहा है कि कान के पीछे लगा दो, और आज डिमांड है भाई सब्जी की मेरे दूसरे कान के पीछे भी लगा दो। तो ऐसे ही डिमांड अपनी करवाता रहता पूरी। और उसके बाद कह रहा है कि मैं दोबारा उस साइड भी फोरहेड में लगाओ, तो बट मैं उस कान को बाहर लेकर नहीं गई क्योंकि इसका मन नहीं था उस टाइम पर, और आइसक्रीम घर पे गौरव पहले लेके आ गए थे जब राशन लेकर आए थे, फिर बाद में गौरव लेके चले गए थे कान को, क्योंकि कान का था कि मुझे स्कूटी में घूमना है। तो उसके बाद पहले हमारा डिसाइड हुआ था कि हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, बट गौरव का काफ़ी काम था तो इसलिए गौरव उठ ही नहीं पाए, तो मैंने डिसाइड किया चलो घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो इस टाइम पर मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, जैसे गर्मी लगी मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था। तो यहाँ पे मैं प्याज छील रही हूँ, और जब धोने का टाइम आएगा तो जितने भी जो भी चीज़ें मुझे सब्ज़ी में डालनी है वो सब चीज़ें मैं एक साथ धो दूँगी, क्योंकि भाई बार बार मैं चक्कर मैं नहीं काटती हूँ, एक ही बड़े से डिब्बे में
हर चीज़ में धो देती हूँ एक साथ ही, ताकि वो जब चॉपिंग का टाइम हो तो साथ साथ ही चॉपिंग हो जाए। तो अभी मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी और उसके बाद मैं सारी चॉपिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे यूज़ करनी है सब्जी में, ये सारी चीज़ें ले ली और मैंने वॉश कर ली है। और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी। तो अभी मैंने कोई भी गैस ऑन नहीं करी है, कैन की मुझे बनानी है रोटी और यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही हूँ। चॉपिंग एंड ऑल करने के बाद फिर मुझे आटा गूंदना है और मैं आज बना रही हूँ स्पेशल खाना, वो है मतलब कि आटे की ही मैं बना रही हूँ गार्लिक नान और साथ साथ में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो मुझे गर्मी लगी और मैंने यहाँ कर दिया फ़ैन ऑन, क्योंकि ऑफकोर्स गर्मी तो है और साथ में गेट चाहे जितने बंद कर लो, बट गर्मी है तो गर्मी है भाई, उसका कोई निवारण है ही नहीं फ़ैन के अलावा। तो बस यहाँ सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है और सारी मैं कर दूँगी, चाहे मुझे कटोरी एक दो एक्स्ट्रा गंदी करनी पड़े नॉट कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गर्मी में खड़ा नहीं होना है मेरे को इतना। और साथ में अभी मुझे आटा गूंदना है स्पेशली उसके लिए, क्या कहते हैं उसके लिए, उसके लिए अलग आटा गूंदा जाता है जो हमारा होता है ना गार्लिक नान, उसके लिए। और जो नान में बना रही हूँ आटे का बना रही हूँ ताकि भाई थोड़ा हेल्दी वर्जन भी आ जाए हमारे खाने में। वैसे मेरे पास मैदा रखा हुआ है बट फिर भी मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसलिए उसका अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं, लेके रखा हुआ बस मैंने। तो यहाँ सारे मैंने चॉपिंग कर ली है, उसके बाद मैं आटे में मैंने डाल दिया था दही और दही नमक डाल दिया था, अब मैं डाली हूँ इग्नो। अगर आपके पास इग्नो नहीं है तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बट बस आप क्या करिएगा, मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला था जितना है अभी उसका आटा उसके हिसाब से, बट आप थोड़ा ज़्यादा डालना क्योंकि बाद में इन होकर डालने के बाद ना थोड़ा फूलता है आटा तो नमक कम पड़ सकता है। तो भी इसको थोड़ा हल्का सा टाइट गूंदना है और बीज आधे या 15-20 मिनट के लिए उसको रेस्ट में छोड़िए, बहुत अच्छी इसकी नान बनेंगे। तो मुझे तो गार्लिक नान पसंद है तो इसलिए मैंने गार्लिक नान बनाए थे। और एक बार ही मैं ना मैदे का भी बनाकर ट्राई करूँगी कैसा बनता है, बस मैं हल्का सा नान वाला वो गार्लिक का टेस्ट आ रहा था, नान का टेस्ट आ रहा था, वो जो मैदा वाला आता है ना टेस्ट, वो उसकी कमी थोड़ी सी लग रही थी, दैट्स इट, अदरवाइज बहुत टेस्ट बना था, गौरों को बहुत अच्छे लगे थे। तो थोड़ा सा मैंने आटा गूंदा है क्योंकि बस हम ही दो खाने वाले हैं और उसके बाद कल अगर आटा बचेगा तो ख़राब ही हो जाएगा। तो उसमें ऑयल लगा के 2-3 मुक्के मार के उसको मैं रख दूँगी कपड़े से ढककर, ताकि जब मेरे को बाद में जब बनाना हो तो ये अच्छे से फूल जाए, उसको थोड़ा टाइम मिल जाए रेस्ट के लिए, इसको रेस्ट बहुत चाहिए होता है अदरवाइज़ ये फूलेंगे नहीं अच्छे से। तो बस इसको मैं अब ढक के रख दूँगी साइड में, और जब तक प्याज मतलब कि कढ़ाई में मैं प्याज डालूँगी तब तक मैं जो टाइम है 2-3 मिनट का, मैं अच्छे से लहसुन को चॉप कर रही हूँ क्योंकि इसका भी अभी काम आने ही वाला है। तो बस अब कढ़ाई में मैं डाल दूँगी तेल, सरसों का तेल हम बेसिकली यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो अब मैं डालने जा रही हूँ प्याज कढ़ाई में जीरे के साथ, जीरा डाल दिया है मैंने थोड़ा सा भुजा था तो उसको मैंने सारा डाल दिया। अब प्याज डाल के इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। अगर आपको बहुत ही रिच वाली चाहिए तो आप पहले क्या करते हैं, प्याज और टमाटर को और अदरक लहसुन जो आपको डालना है और कुछ काजू, उसको हल्के से तेल में बंद ढक के रख लीजिए ताकि जब वो सॉफ्ट हो जाए उसको एक पेस्ट बना लीजिए, उसको बस सीधा तेल में डालिए और पनीर डाल दीजिए, ओहे तब भी कितनी बहुत अच्छी बनती है। बट आप अगर जैसे मैं भी बना रही हूँ वैसे भी बनाएंगे तो वो भी अच्छी बनेगी। बस एक ये वाली सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है और बहुत ईजी है बस। और यहाँ देखिए मैंने प्याज और टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना रही हूँ, इसको भी ढक के रखा हुआ है और कैन को परांठी बना के दे दी है, वो अपनी परांठी खाने में लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने अब इसमें मलाई और थोड़ा दूध डाल दिया और सर मैं पनीर भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पे वही जो मैं आपको इंतज़ार है, वो है गार्लिक नान। तो ये जो गार्लिक नान है मैंने सबसे पहले बनाया था जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में इन सब ने बहुत ही खाए ये सब चीज़ें, बट उसके बाद मैंने नहीं बनाए थे। तो आज मैं बना रही हूँ उतने टाइम बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो अब मैं बना रही हूँ। तो बहुत टेस्टी बने थे ये वाले, पहले जो बना रही थी मैं बहुत ही सिंपल से बनाया करती थी, अब तो थोड़ा मैंने इसमें दही इनो वीनो डाल दिया, पहले तो सीधा मैं ऐसे ही बना दिया करती थी। तो ये वाले बहुत सॉफ्ट बने थे इनो की वजह से, अब भी ऐसा कुछ बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे और बाहर वाला जो खाने का होता है ना वो सब भी हट जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, मैंने ओवल शेप में इसको अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे करके जितना वो लहसुन लगाना है मैं अपने हिसाब से लगा लूँगी, और लहसुन लगाने के बाद पीछे लगाना है पानी,
जब मैंने फर्स्ट बनाया था उसमें मैंने ना कम पानी लगाया और साथ ही साथ मैंने दोनों हाथ में कर दिया, तो ना जो पानी था वो भी हट गया था। तो अगर आप बना रहे हैं तो एक ही हाथ में रखें और अच्छे से पानी लगाएं, ताकि नॉन स्टिक वाला आपको तवा नहीं लेना, जो लोहे वाला होता है वो लेना है, ताकि जब पानी का पानी वाला परांठा उसमें डाले ना नान, तो चिपक जाए पानी की वजह से। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो देखिए उसमें ना हल्का हल्का ये वो आ रहा था, बुलबुले बुलबुले टाइप का आ रहा था, और आपको अपना तवा ऐसा उल्टा करना है और ऊपर अच्छे से सिका देना है, तो अच्छे से पक जाएगा, कच्चा बिल्कुल नहीं रहता। नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो शूट मतलब कि ये एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अच्छे से बना था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जान के बता रहा कि भी कच्चा नहीं था, ये वो अच्छे से पक गया था। एक बार आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा बना था। बस ये था कि मैंने कम पानी डाला था तो इसलिए बार बार गिरे जा रहा था, और अगर आपको ऐसे गिरे ना तो आप जो चिमटा होता है चिमटे की हेल्प से भी आप उसको कर सकते हैं इजीली। तो सारे मैंने बना दिए हैं, ये लास्ट वाला है जो मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं गिर रहा इसमें, क्योंकि मैंने अच्छा खासा पानी एड ऑन लगाया था इसमें। तो आप ऐसे करके करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, अगर आप पानी अच्छे से लगाएंगे तो। तो ये देखिए ऐसे करके रखना है। अगर आपको अच्छे से पकाना है तो आप थोड़ा और ऊपर करके कर सकते हैं, और आपको अगर कलर लेके आना कि कलर आए अच्छे से, तो आप इसको नीचे ज़्यादा करके रखिए, ताकि वो हल्का हल्का जो जला जला सा होता है ना, डार्क ब्राउन सा वो कलर आ जाए ऊपर रोटी में। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे कलर अच्छे से है तो पहले कम आँच में रखिए ताकि पक जाए, फिर थोड़ा तेज़ कर लीजिए ताकि जो कलर आते हैं ना वो मकड़ी के जाले टाइप का वो आ जाए। तो अच्छे से ये देखिए बन के रेडी हो गया, और ऊपर से अगर आप मक्खन लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट टेस्ट आ जाएगा। मैंने तो वैसे लगाया था वो था घी, अगर आप मक्खन लगाएंगे ना पिघला हुआ वो तो और अच्छा बनेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मक्खन में ही लहसुन को छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये छोटा सा लास्ट बचा था, इसको मैंने बना दिया है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, कि भाई गर्मी से आप कम से कम कैसे किचन में खड़े हो सकते हैं, और बच्चे को आप खाना कैसे खिला सकते हैं, भिंडी को आप कैसे खड़ी खड़ी बना सकते हैं अच्छे से सुनहरी सी, और साथ साथ लहसुन आप कैसे जल्द से जल्द बीन सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें मैंने आज अपने इस वीडियो में कवर की हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। और जब तक मैंने खाना बनाया था 9 बज गए थे, उसके बाद मैंने अपना काम किया, गौरव ने अपना ऑफिस का काम किया, और 10 बज के बाद हमने कैन को टाइम दिया, इसलिए फिर उसके खाना खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। आई होप आप समझ गए होंगे। और साथ साथ ये रहा मेरा आज का खाना, डिलीशियस खाना, बहुत टेस्टी बना था। और बाय बाय।